हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3। ये 1.3 जो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। लास्ट 2-3 ईयर से यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये वाला जो एक्सरसाइज है आप अच्छे से समझे। इसमें एक एग्जाम्पल है बेटा कि प्रूव दैट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। हमको क्या करना है, रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है पर है बहुत आसान। अगर प्रोसेस समझ गए तो रूट टू की प्लेस पर रूट थ्री हो सकता है, रूट थ्री की प्लेस पर रूट फाइव हो सकता है, रूट फाइव की प्लेस पर रूट सेवन हो सकता है, रूट सेवन की प्लेस पर रूट इलेवन हो सकता है, और रूट इलेवन की प्लेस पर एनी नंबर पी ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, कोई सा भी रूट के अंदर कोई सा भी एक नेचुरल नंबर आ सकता है, पर वो नंबर जो कि रूट से बाहर ना आ पाए। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों को क्या प्रूव करना है, रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। तो पहला काम क्या होगा हमारा, हम सपोज करेंगे लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। हम उल्टा चलेंगे, प्रूव करना है क्या है इरेशनल, और हम क्या सपोज करके चलेंगे, लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। और अब क्या करेंगे, अगर देखो आपको पता होगा, आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ाई होगा कि कोई भी नंबर जो रेशनल होता है वो इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, पी वाई क्यू के फॉर्म में। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर हमने ही तो सपोज किया है, क्या सपोज किया है, रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, इसका मतलब रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू ले सकते हैं, ए अपॉन बी कुछ भी ले सकते हैं, ए अपॉन बी मतलब कोई भी क्या आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ए अपॉन बी, और बी ऐसे होंगे, ए एन बी आर कैसे होंगे बेटा, को प्राइम नंबर। कैसे होंगे ये, को प्राइम नंबर। और बच्चा बोलो को प्राइम नंबर क्या, ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 5, 2 और 5 क्या है, को प्राइम है। क्यों है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये ए और बी ऐसे नंबर है कि उनमें कोई भी कॉमन नहीं है। अच्छा देखिए, अब क्या करते हैं, रूट से तो हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बहुत साइड, दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायरिंग किया। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तब तक सामने क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। ये कितना बन जाएगा आपके पास, 2, और सामने क्या हो जाएगा, ऊपर वाले ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर कहां पर है, डिवाइड में, कहां चले जाएगा, इनटू में, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2b² इज इक्वल टू कौन हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए 2 कहां पर है, इनटू में, इसको कहां पहुंचा देते हैं, डिवाइड में, तो देखो क्या बन जाएगा, b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। b² इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब आप देखो, आप क्या कर रहे हो, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से, और आपको मिल क्या रहा है, बी स्क्वायर, बी मतलब कोई एक नंबर मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाय 2, क्यों, क्योंकि आप ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो तो भी आपको एक नंबर मिल रहा है, और वो नंबर कौन है, बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर देखिए, अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी से डिविजिबल है ना, तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। जैसे किसी ने बोल दिया कि 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 9 किसका किसका स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर, तो 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। चलो ये कम समझ में आएगा, और देखते हैं, मान लीजिए किसी ने बोला 36 इज डिविजिबल बाय 2, 36 किसका स्क्वायर था, 6 का, तो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उससे क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी क्या हो जाएगा, ए इज ऑल्सो, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ए भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी नंबर डिविजिबल कब होता है, जब उसके अंदर उसका एक फैक्टर हो। इसका मतलब इस ए के अंदर एक 2 छुपा हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2c, c कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 क्या है, 2 उसका एक फैक्टर बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, सी क्या हो सकता है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देकर आएंगे, और क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, कहां पर पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 2c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, तो 4c² अपॉन में कौन हो जाएगा, 2, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4। तो आप फाइनली क्या देख रहे हैं, आप फाइनली ये देख रहे हैं कि आपके पास बस क्या रहा है बेटा, आपके पास बस रहा है b² इज इक्वल टू 2c² अब देखो 2 कहां पर है, इनटू में, कहां जाएगा, डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा,
बी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आपने क्या देखा कि बी स्क्वायर अपॉन में टू और सामने क्या मिल रहा है सी स्क्वायर। इसका मतलब आप क्या समझे, क्या समझे बेटा, बोलो जल्दी से, बी स्क्वायर इज, बोलो जल्दी से, डिविजिबल बाय टू। कि जो बी स्क्वायर है वो क्या है, डिविजिबल बाय टू। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमारी बात हुई थी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उससे डिविजिबल होता है। हम क्या बोल सकते हैं, बी इज, बोलो बेटा जल्दी से, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। ठीक है ना, तो बी क्या होगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। अब देखो बी स्क्वायर डिविजिबल बाय टू, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, समझना बेटा, हियर समझना, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय टू। ए और बी दोनों क्या हो गए, डिविजिबल बाय टू। अब हम क्या बोल सकते हैं, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मतलब कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा, लेकिन यहां पर दोनों में क्या कॉमन आ गया, टू आ गया, तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम लिखेंगे हेंस रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। बहुत ही आसान है बेटा, मैं एक क्वेश्चन और करके बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मान लीजिए कि अगर मान यहां पर रूट टू की प्लेस पर क्या आ जाता, रूट थ्री, तो हम क्या करते, बहुत ही आसान, देखिए यहां पर हम लोग क्या करते, रूट थ्री हो जाता, रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर, तो रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर सपोज करते। अगर यहां पर क्या हो जाता, फिर रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहां क्या हो जाता, रूट थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय बी का होल स्क्वायर। अच्छा यहां पर कितना आ जाता बेटा, रूट थ्री का स्क्वायर होता तो थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा सामने क्रॉस इंटू करते तो क्या हो जाता, थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, थ्री कहां पर था, इंटू में, कहां जाएगा, डिवाइड में। बोलो अब यहां पर क्या थ्योरी लिखते, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री। देखो मैंने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, फिर क्या लिखते, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। हम क्या करते, ए इक्वल टू थ्री सी, अरे कितना रखते हैं, थ्री सी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां रख देते तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता, थ्री सी स्क्वायर अपॉन टू। अब देखो थ्री का स्क्वायर कितना बनता है बेटा, नाइन सी स्क्वायर, सॉरी टू नहीं होता, थ्री, नाइन सी स्क्वायर अपॉन में थ्री, थ्री बन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, यहां पर क्या हो जाता बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर। अब ये थ्री कहां पर था, इंटू में, कहां जाएगा, डिवाइड में, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री। हम क्या बोल सकते थे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा, हियर ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय थ्री, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। एक और समझो, मान लो रूट थ्री की प्लेस पर क्या आ जाता बेटा, सपोज करिए कि आपके पास आ गया, लेट रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। हम कैसे चलेंगे, लेट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, ये थर्ड क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान दें आप लोग, रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर। फिर क्या होता, बहुत ही आसान, बोलो बेटा जल्दी से, रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी, सेम प्रोसेस, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोलो जल्दी से बेटा, इधर क्या बन जाता, रूट फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय बी होल स्क्वायर। अच्छा रूट फाइव का स्क्वायर कितना हो जाता, फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाता, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा बताइए यहां पर कितना हो जाता, क्रॉस इनटू करते तो फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बताओ फाइव कहां पर है, इनटू में, कहां जाएगा, डिवाइड में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन फाइव। अब क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर अपॉन फाइव आ रहा है और सामने कितना आ रहा है, बी स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव। अभी बात करी थी अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उससे डिविजिबल होगा। इसका मतलब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, फाइव सी, सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है पर ए की प्लेस पर कितना आएगा, फाइव सी, फाइव सी का होल स्क्वायर अपॉन में कौन आएगा, फाइव। बताइए फाइव का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, ट्वेंटी फाइव और सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन में कौन आएगा, फाइव, फाइव बन जा फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, फाइव सी स्क्वायर, फाइव कहां पर है, इंटू में, कहां जाएगा, डिवाइड में, बी स्क्वायर अपॉन फाइव, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, बोलो जल्दी से बेटा, फाइव। इसका मतलब बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव, ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय फाइव, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। इस प्रोसेस का यूज करके आप रूट सेवन भी कर सकते हैं,
फिर रूट 11 भी कर सकते हैं और रूट पी एनी नंबर आप वो नंबर ले सकते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, उन सब के लिए आप उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा क्या करना है, बहुत ही आसान। जिसको भी प्रूव करना है उसको पहले क्या कर लीजिए, रैशनल सपोज कर लीजिए। रैशनल होगा तो ए अपॉन बी के इक्वल होगा, ए और बी क्या होंगे को प्राइम नंबर होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करोगे रूट वाला कहां आ जाएगा बाहर, इधर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका क्रॉस इनटू कर दीजिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 5 कहां पर है इनटू में कहां आ गया डिवाइड में। इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए फर्स्ट, अब यहां आप क्या देख रहे हो ए स्क्वायर को आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो 5 से, सामने क्या मिल रहा है बी स्क्वायर, इसका मतलब डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ आपको इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल होता है मैंने अभी बताया था तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होता है, तो ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 इट मींस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा 5c, सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर अपॉन 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी 5 × 5 = 25, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5 कहां पर है इनटू में कहां आएगा डिवाइड में, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, हियर ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, रॉन्ग हो गया ना, हमने क्या सपोज किया था ए एंड बी आर को प्राइम नंबर जो कि को प्राइम नहीं हुए, इट मींस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, आप लोग इसको अच्छे से ये तीनों क्वेश्चन बनाए और साथ में आप लोग घर पे ट्राई करें कि रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर, आप लोग खुद ट्राई करें और प्रूव करें। ओके थैंक यू।